मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के नेतृत्व में विशाल मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान सांसद विवेक तन्खा ने पुलिस पर सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। तन्खा का कहना है कि पुलिस सरकार के राजनीतिकरण का शिकार हो चुकी है। वहीं इस दौरान विवेक तन्खा ने मंत्री रामपाल सिंह की बहू की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अगर ऐसी घटना किसी आम आदमी के घर में हुई होती तो पुलिस उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करती। शासन में रहती है तो भी वो ऑपोजिशन ही करती रहती है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही। आज भी बीजेपी, कांग्रेस नहीं रोक रही है, कांग्रेस आज पार्लियामेंट चाहती है मगर बीजेपी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। इसी तरह देखिए विधानसभा किस तरह से जल्दी भंग कर दी गई। क्यों किया गया ये सब? क्योंकि वो लोग डिबेट नहीं चाहते, वो डिस्कशन नहीं चाहते। इस प्रकार की बात तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। प्रश्न ये नहीं कि कांग्रेस कुछ क्या क्या नहीं कर सकती, प्रश्न ये आप क्या कर रहे हैं शासन में। घटना होती है, आप बताइए, आपके या किसी के परिवार में ऐसी घटना होती तो पुलिस क्या करती? 306 का मिनिमम केस रजिस्टर करती कि नहीं करती, और घर वालों को अरेस्ट करती कि नहीं करती? आज FIR हुई है, आज किसी को अरेस्ट किया है। तो आप ऐसी सरकार जो ऐसी घटनाओं पर भी किसी को अरेस्ट करने को तैयार नहीं है, FIR करने को तैयार नहीं है, उससे क्या अपेक्षा करते हैं? उनकी बात क्यों कर रहे हैं? ये तो अब सरकार जाने वाली है।